हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड ट्यून इन मींस डेवलप योर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ओके बेटा, आज हम बात करेंगे एटिकेट की। ठीक है, एटिकेट क्या होता है? शिष्टाचार। शिष्टाचार की बात आप जानते हो, तो कुछ वर्ड्स हैं बेटा जो आपको जानने चाहिए। ओके एंड आपको ये अपनी डेली रूटीन में दो चार वर्ड्स हमेशा रखने चाहिए और आपको यूज़ भी करना है। ठीक है, सो देखते हैं पहला हमारा वर्ड्स क्या स्टार्ट करता है। आपने इतना कष्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। ये देखिए, हिंदी मैंने इसलिए साथ में ऐड किया है इसलिए क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, साथ में आपको ये प्रोनंसिएशन भी दिया हुआ है जो आपको बोलने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं, यू टुक सो मच ट्रबल, थैंक्स फॉर इट। ना, यू टुक सो मच ट्रबल, थैंक्स फॉर इट, मतलब आपने इतना कष्ट क्यों किया और अगर किया है तो इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या है, देयर वॉज नथिंग टू ट्रबल मी, इट वॉज रैदर माई ड्यूटी। अगर सामने वाला कहता है, जैसे आप किसी से कहते हो ना कि यू टुक सो मच ट्रबल, थैंक्स फॉर इट, है ना, तो सामने वाला क्या कहता है कि देयर वॉज नथिंग टू ट्रबल मी, इट वॉज रैदर माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है ना, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने कोई इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है, देयर आर ओनली अ फ्यू पर्सन्स हु आर अवेयर दिस देयर ड्यूटीज़, ना अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़। तो हम यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम लोग अपनी ड्यूटी को के प्रति सचेत होते हैं या अपनी ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा दिखाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे, वेल हाउ गोज लाइफ विथ यू, और सुनाइए कैसा चल रहा है ना, आपस में ये डिस्कशन है, दो लोग आपस में डिस्कस करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, ये एटिकेट की बात कही जा रही है। ठीक है, गॉड बी थैंक्ड ऑल इज़ वेल, यानी भगवान का धन्यवाद है, सब कुछ ठीक है। ओके, फिर कहते हैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ, मीन्स आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो सामने वाले बोलते हैं, इफ़ यू कैन स्पेयर योर स्कूटर फॉर सम टाइम, आई शैल फील ग्रेटफुल, मतलब कि अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना स्कूटर दे दीजिए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मतलब उनको कोई नीड है तो वो ऐसे बोलेंगे, अगर आपको किसी से नीड है, किसी से कुछ चाहिए होगा तो आपको ऐसे बोलना है। ठीक है, कि इफ़ यू कैन स्पेयर योर स्कूटर फॉर सम टाइम, आई शैल फील ग्रेटफुल। ठीक है, फिर आगे क्या है, इफ़ आई हैड नॉट टू गो, आई वुड हैव ग्लैडली गिवेन इट टू यू। तो कहता है, यदि सामने वाले जो हैं वो कहते हैं कि यदि मैंने स्वयं ना जाना होता मुझे तो मैं अवश्य आपको दे देता, यानी उनको खुद जाना है कहीं। ठीक है, इसलिए स्कूटर वो नहीं दे पाएंगे। इज़ देयर एनी लेटर फ्रॉम शालू, क्या कोई ले पत्र आया है, शालू का कोई पत्र आया है। ठीक है, देन एनीथिंग लेटेस्ट, कोई नई ताजी बात, मे आई से समथिंग, मैं कुछ बोलूं या मैं कुछ विनती करूं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, वो बोलते हो ना, आप किस लिए बोलते हो, एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए, या अगर किसी को साइड हटाना है तो आप बोलते हो एक्सक्यूज़ मी, बट बहुत अच्छे से बोलना चाहिए कि आप थोड़ा सा हट जाइए तो मैं चला जाऊँ, है ना। आई एम सॉरी, कब बोलते हो आप सॉरी, जब आप कुछ गलत करते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप बोलते हो ना आई एम सॉरी। डोंट माइंड प्लीज़, मतलब बुरा मत मानिए, है ना, अगर कुछ कभी मुंह से स्लिप हो जाता है, कोई बात हमारे मुंह से निकल जाती है तो हम क्या बोलते हैं, बुरा मत मानिए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर, थोड़ी देर और बैठ जाइए। किसी को अगर हमें कहना है कि अपने फ्रेंड को ही कि थोड़ा सा और रुक जाओ तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। फिर उसके बाद, इट इज़ इनफ, ये पर्याप्त है ना, इतना काफ़ी है, मतलब इट इज़ इनफ, जैसे अब खाना कोई दे रहा है बहुत ज़्यादा और आप खा रहे हो तो आप वो फिर से कह रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा सा और ले लो, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ इनफ, मतलब अब बस बहुत हो गया, अब इतना पर्याप्त है मेरे लिए। सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो ना, ये बोलते हैं, सो नाइस ऑफ यू, किसी को अगर अच्छा बताना है तो, और आपका कोई अच्छा ही कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, सो नाइस ऑफ यू। डोंट वरी अबाउट मी, चिंता मत करिए मेरी, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा,
या कुछ भी अगर किसी से कहना है पेरेंट्स से ही, आप पेरेंट्स आपके प्रति बहुत वरी हैं, चिंतित हैं, तो आप उनसे ये कह सकते हो ना, डोंट वरी अबाउट मी, है ना। आई हैड इज ऑल इट इज सफिशियंट ना, सॉरी दैट इज ऑल इट इज सफिशियंट, मतलब इतना बस करें, इतना काफ़ी है। वही जैसे अभी मैंने कहा कि जब कोई खाना दे रहा है बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप क्या कह सकते हो वहाँ पे, बस करिए अब ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो कहेंगे दैट इज़ ऑल इट इज़ सफिशियंट, वी आर ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मतलब आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, ठीक है। देन मे आई स्टे हियर, क्या मैं यहाँ ठहर सकता हूँ। अगर आपको कहीं जाना है तो बड़े प्यार से हर कुछ एटिकेट के साथ हमें बोलना चाहिए, शिष्टाचार के साथ, तब सामने वाला आपकी बात को सुनता है ना। इतने अच्छे से जब आप पूछेंगे किसी से, कोई चीज़ लेनी भी है तो बड़े प्यार से हमें उनसे मांगनी चाहिए, ठीक है। डोंट बी फॉर्मल, फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, है ना, तो ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे हम कहीं गए अपने फ्रेंड के यहाँ, वो दौड़ दौड़ के सारी चीज़ों को ला रहे हैं, दे रहे हैं, तो हम यही ना कहते हैं कि ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सब कुछ, है ना। डोंट बॉदर, मतलब इसका मतलब क्या है, तकलीफ़ ना कीजिए ना, डोंट बॉदर, डिस्टर्ब मत करो, डोंट बॉदर मी, है ना। तो ये एटिकेट्स के वर्ड हैं बेटा, शिष्टाचार के वर्ड हैं, जो दो चार भी अगर आप स्टार्ट करते हैं बोलना तो यू कैन डू इट, है ना। तो आप सीख लोगे तो धीरे 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 आप जब बोलना शुरू करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा केयर करिए, ओके, बाय बाय।